महापुरुष प्रकट होकर उनके सामने दोहा पद चौपाई सोरठा छंद भारतीय कथा लिखवाए हैं, उस धाम के अंदर दीवालों पर लिखा गया है। लड़का लड़की आदमी औरत हर कोई कपड़े निकाल के जाता है अंदर, आइए जानते हैं इसका रहस्य। आ चुका हूँ और यहाँ पे वीडियो कैमरा करना अलाउड नहीं है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं वी आई पी दून अपने चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। और आज मकर संक्रांति के दिन अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे गंगादास बाबा के मंदिर पे। और सबसे पहले मैं मकर संक्रांति की आप लोग को बधाई देता हूँ दोस्तों। मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। इसी के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो वीडियो बने रहे दोस्तों लास्ट तक। प्रथम ईश्वर का साक्षात्कार इसी जगह हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का। और सदगुरु श्री महाराज जी यानी स्वामी श्री गंगाराम दास जी महाराज, और श्री बड़े महाराज जी यानी सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज। तो श्री महाराज जी कहा करते थे कि जो भी इस तपस्थली पर इस आश्रम में श्रद्धा प्रेम भाव विश्वास के साथ आएगा दर्शन करने के लिए, उसको चारों धाम का फल मिलेगा। एक सदगुरु एक महापुरुष की ये वाणी है जी। और बाबा हम ये जानने का प्रयास, मतलब हम देखें यहाँ पे जो गमछी लपेट सजाया जा रहा है उसका मतलब क्या रीजन है? सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जो अलौकिक धाम पूरे विश्व में है जी। इस धाम के अंदर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के देवी देवता भगवान के अवतार ऋषि मुनि साक्षात प्रकट होकर सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भर अयोध्या जिनके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर भगवान देवी देवता ऋषि मुनि हिंदू मुस्लिम सिद्ध संत महापुरुष प्रकट होकर उनके सामने दोहा पद चौपाई सोरठा छंद भारतीय कथा लिखवाए हैं, उस धाम के अंदर दीवालों पर लिखा गया है ऋषि मुनियों महापुरुष भगवान की वाणी। और राक्षस भी प्रकट होकर लिखवाए हैं, जिनको भगवान अपने हाथ से मारे हैं वो भी प्रकट होकर लिखवाए हैं सदगुरु श्री बड़े महाराज जी के समक्ष प्रकट होकर। तो इस दृष्टि से वो नियम लगाया गया है श्री महाराज जी द्वारा कि हम लोग भारतीय जन भारतीय समुदाय अपने पहनावा धोती कुर्ता गमछा लुंगी को भूलते जा रहे हैं और महिलाएं साड़ी को भूलती जा रही हैं, लड़कियां भी पैंट कुर्ता जींस पहन रही हैं, देखा देखी पश्चिम पहनावा वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं जी। तो उस दृष्टि से महापुरुष सदगुरु महाराज जी ने इस नियम को लगाया है। एक बार श्री महाराज जी कानपुर के बीहड़ जंगलों में रहते थे। श्री महाराज जी 20 वर्ष कठिन तपस्या किए, 20 वर्ष कठिन तपस्या किए महाराज जी। तो सत्य न्याय धर्म इस सृष्टि का पृथ्वी का आधार है, आधार स्तंभ है, इसी पर पृथ्वी टिकी हुई है, सृष्टि टिकी हुई है, खत्म होते जा रहा है जी। सदगुरु श्री महाराज जी 31 मई 2002 को प्रातः 7:15 पर समाधि लिए थे महाराज जी जी। उनका जो है तपस्थल है, हाँ उधर तपस्थली है, कुआं को उधर तपस्थली है ना जी, कुआं के आगे तपस्थली है, ज्ञान के वहाँ बना लीजिएगा वीडियो जाकर। तो वहाँ महाराज 31 मई 2002 को सुखासन में बैठे थे, सुखासन मतलब लेटे हुए थे। फिर महाराज जी कहे हटिए हटिए अपने भक्तों से, कहे हटिए हट जाइए, तो उन मुनि मुद्रा में बैठकर महासमाधि मतलब महाप्रस्थान कर परमात्मा के साकेत धाम में चले गए। इस पंच भौतिक शरीर से निकल कर परमात्मा के साकेत धाम में चले गए। तो गाइज बाबा हम लोग को लेके चलेंगे महाराज जी का दर्शन कराने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दर्शन करने के लिए लोग कैसे कपड़े निकाल के अपना लुंगी पहन के अंदर जा रहे हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही अंदर जाएंगे।
तो गाइज अभी मैं बाबा गंगादास बाबा के धाम में अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे वीडियो कैमरा करना अलाउड नहीं है, लेकिन बाबा के माध्यम से मैं प्रचार प्रसार के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आज बाबा गंगादास बाबा का इनके माध्यम से कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वामी श्री राम मंगलदास जी द्वारा जो संतों गवर्नर थे, आप इनके समस्त शत्रु प्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के देवी देवता ऋषि मुनि भगवान के अवतार साक्षात एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना दोहा चौपाई पद सोरखा छंद लिखवाए हैं। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी आप कहते थे गोकुल भवन श्री अयोध्या धाम में गोकुल भवन के आश्रम का नाम है, वहीं प्रकट होकर सब देवी देवता ऋषि मुनि भगवान राक्षस हिंदू संत मुस्लिम संत सिख ईसाई सिद्ध संत, ये कौन गांव कौन सा है? ग्राम बैपुर देवकली जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश श्री गंगा आश्रम। तो गाइज अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं महाराज जी का तो आप लोग यहाँ बैपुर देवकली गाजीपुर यूपी में आ सकते हैं और यहाँ पे बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और इनके माध्यम से बाड़िया भी लिखी हुई है दीवारों पर ऋषि मुनि भगवान गुरु नानक देव जी मोहम्मद साहब ईसा जी सब लोग प्रकट होके 2500 देवी देवता भगवान ऋषि मुनि प्रकट होके बाणी चौपाई दोहा छंद वार्तिक कथा लिखवाए हैं। कलयुग में ये पूरे संप्रदाय जितने हैं सबके लिए मार्गदर्शक काम करेंगे दिव्य ग्रंथ आज के कलयुग में कली काल में जी। और अगर आप लोग बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे बुक भी उपलब्ध है और अयोध्या में गोकुल भवन आश्रम में दिव्य ग्रंथ मिल जाएगा और श्री गंगा आश्रम ग्राम पोस्ट बलपुर देवकली जिला गाजीपुर में उपलब्ध है दिव्य ग्रंथ सदगुरु भगवान द्वारा रचित। और ये देखिए दुर्गा माता का मूर्ति बना हुआ है दीवारों पर अपने से अद्भुत कृति बना हुआ है। जब मंदिर बन रहा था तो अपने से यह दिव्य आकृति बनी है माता दुर्गा जी की अपने से बना है, कोई मतलब ये भगवान की लीला चमत्कार कहेंगे चमत्कारी है अलौकिक जी, शक्तियां हैं जो जी यहाँ पे कार्य कर रही है। हाँ और ये देखिए चित्र भगवान का यहाँ से ये अलौकिक चित्र है सदगुरु भगवान देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो लग रहा है कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं ना जी। इस दिशा से देखेंगे तो लग रहा है कि सदगुरु महाराज जी हम लोग को देख रहे हैं ना यहाँ से देखेंगे तो, और फिर इस दिशा से अगर सर को अपने मुड़ा रहे हैं फिर इस दिशा से आप देखेंगे तो लग रहा है कि अपने सर को घुमा रहे हैं इधर घुमा रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है ना जी साक्षात नजर आ रहा है। हाँ ये भी एक चमत्कारिक लीला है सदगुरु भगवान की। श्री महाराज जी कहते साकेत धाम हर समस्या का समाधान है यहाँ पर, मतलब इनके दिव्य ग्रंथ में सदगुरु भगवान। हाँ जब श्री बड़े महाराज जी पहुँचे वहाँ तो श्री महाराज जी को शांत किए कहेंगे कि संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, एकांत में घटना है बिच्छू की। शांति में भी महाराज जी के शिष्य रहते हैं वहाँ भी आश्रम बना है जमुना जी किनारे महाराज जी के शिष्य महात्मा रहते हैं वहाँ तपस्या करते हैं, एकांत में घटना है। जब ये चित्र बन गया तो श्री महाराज जी भक्तों से पूछे कहो अक्सर माध्यम जी भोजपुरी में बोलते थे लेकिन उनके विश्व की ऐसी कोई भाषा न थी जिनकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो पर्दा डाल के जब तक महापुरुष रहते हैं धरा धाम पर अपने को छिपा के रखते हैं। आपके पास ही तो महापुरुष चले जाएंगे आपके पास त्याग तपस्या खा लेगा तो आप नहीं जान पाएंगे ऐसे महाराज जी थे। हाँ तो महाराज जी हम छिपा रखते अपने जीवन पर्यंत अपने को जब भगवान जब महाराज जी बड़े महाराज जी के पास गए श्री स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज अब दीक्षा लेने के लिए अयोध्या में गोकुल भवन आश्रम में तो रामायण पढ़ते थे यहाँ के महाराज जी सब श्री बड़े महाराज जी के पास गए रामायण पढ़ते थे अयोध्या जी ने दूसरे आश्रम में रह के तो गोकुल भवन आश्रम में जब गए श्री बड़े महाराज जी के पास तो बड़े महाराज जी कहे गीता रामायण ताला लगाओ मतलब रख दीजिए तब आपको मंत्र दीक्षा ध्यान बताएंगे ज़्यादा पढ़ेंगे तो वही बकवास भर जाएगा कहेंगे ये सही है वो सही है ये सही है कर करेंगे। इस दृष्टि से महाराज जी का जो सदगुरु बताएं उसको करना चाहिए वही है वेद पुराण का सार जो सदगुरु महापुरुष बता दें हमको आप ठीक है कहें घटना से ये सीख लेना है।
गीता रामायण ताला लगाइए लगा दिए श्री महाराज जी, और जो श्री बड़े महाराज जी बताए उसी को उन्होंने आजीवन पालन किया, ठीक है, तब ईश्वर का दर्शन हो गया। तो गाइस यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और बाबा के द्वारा जो भी हमें उपदेश दिया गया और इनके माध्यम से thank you.